हर महादेव, पितृपक्ष, श्राद्ध पिंडदान, तर्पण अर्थ एवं महत्व। साल में भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि से पितृपक्ष का प्रारंभ होता है। इस दौरान पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किए जाने का विधान है। ऐसा माना जाता है कि पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध में क्या अंतर होता है? 1. श्राद्ध का अर्थ एवं महत्व। पिंडदान का अर्थ एवं महत्व। तर्पण का अर्थ एवं महत्व। श्राद्ध का अर्थ एवं महत्व। पितृपक्ष में मृत परिजनों को श्रद्धा पूर्वक स्मरण करने को श्राद्ध कहा जाता है। ये पितरों के प्रति श्रद्धा और आभार व्यक्त करने की एक क्रिया है। श्राद्ध के समय सर्वप्रथम प्रातःकाल नित्य कर्म करके स्नान करें। इसके पश्चात पितरों को याद करते हुए उन्हें जल में काला तिल मिलाकर अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। महत्व विष्णु पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वेदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। 2. पिंडदान का अर्थ एवं महत्व। पिंडदान का अर्थ होता है अपने मृत परिजनों को भोजन का दान देना। मान्यता है कि पितृपक्ष में हमारे पूर्वज गाय, कुत्ता, चींटी, कौवा आदि के रूप में आकर भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए पितृपक्ष के समय भोजन के 5 अंश निकालने की परंपरा है। पिंडदान के दौरान मृतक के निमित्त जौ या चावल के आटे को गूंथकर गोल आकृति वाले पिंड बनाए जाते हैं, इसलिए इसे पिंडदान कहा जाता है। महत्व पौराणिक मान्यता के अनुसार श्रद्धा पूर्वक किए हुए श्राद्ध में पिंडों पर गिरी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदों से पशु पक्षियों की योनि में पड़े हुए पितरों की आत्मा वर्ष भर के लिए तृप्त हो जाती है। पुराणों में यह भी वर्णन मिलता है कि पितृ पूजन से संतुष्ट होकर पितर मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, बल, वैभव, सुख, धन और धान्य का आशीर्वाद देते हैं। 3. तर्पण का अर्थ एवं महत्व। पितरों को जलदान या तृप्त करने की क्रिया को तर्पण कहा जाता है। पितृपक्ष के दौरान हाथ में जल, कुश, अक्षत, तिल आदि लेकर मृत परिजनों का तर्पण करने का विधान है। इस समय लोग दोनों हाथ जोड़कर अपने पितरों का स्मरण करते हैं और उनका आह्वान करके जल ग्रहण करने की प्रार्थना करते हैं। महत्व जिस प्रकार पिंडदान से पितरों की क्षुधा शांत होती है, उसी प्रकार तर्पण करने से उनकी जल की इच्छा तृप्त होती है। मान्यता है कि तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे अपने अपने वंशजों को सुख शांति का आशीर्वाद देते हैं। आप भी अपने पितरों की तृप्ति और कृपा पाने के लिए पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण के विधान का पालन करें। इसी प्रकार के नए विषयों के लिए हमारे चैनल एस्ट्रोवायस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।